light now up there. Zandım. Hey. चलिए, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अरक्षण एजुकेशनल ग्रुप। मैं चंदन सर एज ए मैथमेटिक्स टीचर। चलिए, आप सभी को आपका अपना चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव सवाल वेक्टर का, और उसके बाद मैं आप लोगों को 3D का कुछ कॉन्सेप्ट देते हुए आज फिर से आपका 3D का भी ऑब्जेक्टिव पर बातचीत करेंगे, टाइम मिलेगा तो। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी को आपको धन्यवाद। जो भी बच्चे हमारे साथ ज्वाइन हैं, बेहतरीन ढंग से आप पढ़ने का प्रयास करें, और हम चलिए आप लोग को भी शुरू कर दें। क्वेश्चन, आज मोटिवेशनल बातें नहीं लिख पाए टाइम के अभाव में, तो हम लोग शुरू करते हैं। आपका स्क्रीन पे पहला सवाल आ गया है कि वेक्टर, यदि वेक्टर ए प्लस बी के मोड बराबर वेक्टर ए माइनस बी का मोड, तो इसमें कौन सा सत्य होगा। जल्दी से आप लोग बताएंगे, जल्दी से आप लोग बताएंगे, वेक्टर ए प्लस बी के मोड बराबर वेक्टर ए माइनस बी का मोड, तो निम्नलिखित में कौन सत्य होगा। आपके स्क्रीन पे सवाल चालू होगी, बताएंगे। चलिए, आप लोग बताएं। फास्ट ज्वाइन करें आप लोग, जब मैं आप लोगों को देख पाऊं, है ना। चलिए, अभी फिलहाल हमारे मोबाइल काम नहीं कर रहा, इसलिए मैं नहीं देखता हूं, बाकी आप नीचे चलिए। देखिए, तो आपके स्क्रीन पे सवाल चालू हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान और एकाग्रता बनाकर देखें। वेक्टर ए प्लस बी के मोड है जो बराबर ब्लैक नहीं चलता। हाँ, चलिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मोड जो दिया है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मोड के बराबर है ना। तो समय आप लोग को देख लूं कि क्या आप लोग ज्वाइन हो पाए कि नहीं। सबसे बड़ी बात यही है कि आप लोग ज्वाइन होगी। चलिए देखा जाए। देखिए, इसका मतलब सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि रूट के अंदर इसको तोड़ेंगे, तो वेक्टर ए के मोड के स्क्वायर जोड़ वेक्टर बी के मोड के स्क्वायर, और प्लस में बोलेंगे 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और बराबर देखिएगा तो हो जाएगा वेक्टर ए के मोड के स्क्वायर जोड़ वेक्टर बी के मोड के स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाए, है ना। देखिए, रूट खत्म कर लेंगे हम लोग, तो हमारे पास बचेगा वेक्टर ए के मोड के स्क्वायर जोड़ वेक्टर बी के मोड के स्क्वायर जो 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बराबर में हमारे पास हो जाएगा वेक्टर ए के मोड के स्क्वायर जोड़ वेक्टर बी के मोड के स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा। अगर हम लोग देखते हैं तो इसका मतलब है कि इसका मीनिंग है कि इसे ही पूरा कट जाएगा। आपको माइनस ही पट ले आइए, तो 2 वेक्टर ए डॉट पहले से बी था और 2 वेक्टर ए डॉट बी आ गया, तो हमारे पास क्या हो गया 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। यानी मिला जुला के देखें तो वेक्टर ए डॉट बी का मान 0 आया, और ए डॉट बी के मान 0 हो तो हम लोग जानते हैं कि समांतर होता है कि लंब होता है। जल्दी से बताएंगे, ए डॉट बी के मान 0 होता है तो परस्पर परपेंडिकुलर होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, है ना। चलिए, फास्ट आप लोग ज्वाइन करें, तभी जाकर इसमें और इंटरेस्ट बढ़ेगा। कमेंट जरा एक बार मैं आप लोग को देख लूं,
क्या आपका हालात है जरा सा, फर्स्ट टाइम है आप लोग? चलिए, वेरी गुड, आ जाइए। आपका स्क्रीन से एक सवाल हटा, आपके स्क्रीन पे दूसरा सवाल जल्दी से बना दें। कहता है वेक्टर ए माइनस बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस बी बराबर होगा, ऑप्शन आपका टाइम चालू हो गया, बनाइए फास्ट बनाइए, देरी ना करते हुए बनाएं। दूसरा सवाल का जवाब भेजें आप लोग, दूसरा सवाल का जवाब भेजें। अब पढ़ रहे हैं, नीचे जाइए, जब पढ़ ही नहीं रहे तो क्या करेंगे। चलिए जवाब भेजें, वेरी गुड। अब देखते हैं हम लोग, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे सवाल है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और क्रॉस में दिए हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, गुना करिए इसे इसमें, तो आपका हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए और जोड़ हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए से ए में वेक्टर ए क्रॉस ए से बी में वेक्टर ए क्रॉस बी और इसे गुना करिए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। आप लोग जानते होंगे कि किसी वेक्टर के उसी वेक्टर से सदिश गुणनफल जो होता है शून्य होता है, यानी शून्य वेक्टर आप बोल सकते हैं। जोड़ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और जोड़ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये आपका जीरो हो जाएगा। ए क्रॉस बी को आप लिख सकते हैं माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए, ध्यान में रखेंगे ए क्रॉस बी को आप क्या लिखते हैं माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए, और माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए को क्या लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस बी, इसीलिए यहां पर माइनस हटा दी क्या लिख दिए प्लस, एगो एगो के गो हो गया टू हो गया, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपके स्क्रीन पे ये होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका ए है टू इंटू, देखिए गलत लिखा गया जी, टू इंटू वेक्टर ए क्रॉस बी होना चाहिए, यानी ऑप्शन आपका गलती सबको हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ऑप्शन आपका डी होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि टू इंटू वेक्टर ए क्रॉस बी होना चाहिए, और इसमें से 90% बच्चे को गलत आया था, क्योंकि इनमें से किन्हीं को ऑप्शन में देख रहा हूं कि डी नहीं आया है, इसलिए ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होना चाहिए। हाँ अब देखिए डी शुरू हो गया ना। चलिए आपके स्क्रीन पे सवाल हाजिर हो गया तीसरा नंबर, जल्दी बनाइए। वेक्टर ए क्रॉस ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा, जवाब दीजिए। वेक्टर ए क्रॉस ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा, जवाब भेजें, जवाब भेजिए जरा मैं देखूं, जवाब दें सुंदर बच्चे। इसका जवाब भेजिए फास्ट, जवाब शुरू हो गया, सी आ गया, जवाब इसका सी भेजे हैं, देखते हैं किनको सही हो पाता है। देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए डॉट बोला वेक्टर बी, किसी सदिश को उसी सदिश से सदिश गुणनफल जीरो, यानी वेक्टर बी रिजल्ट आपका हो गया जीरो, है ना, क्या हो गया जीरो, ऑप्शन आपका कौन है बी, यानी नहीं सी, करेक्ट ऑप्शन है सी। तीसरा सवाल खत्म, आपके स्क्रीन पे आ गया चौथा सवाल, वेक्टर ए समांतर वेक्टर बी बोथ वे इंप्लाइज डेट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जल्दी बताओ कह रहा ए समांतर बी कब होगा, यदि दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी हो, जल्दी बताइए, जीरो वेक्टर रहेगा तब कि जीरो रहेगा कि वन रहेगा कि माइनस वन रहेगा, जल्दी इसका जवाब दीजिए, बहुत सारे बच्चे से गलत होने का चांस रहेगा। राइट सर, ओके। अशोक कुमार, चिंटू कुमार, यादव सॉन्ग, धीरज राज, जल्दी जल्दी इसका ऑप्शन भेजें।
इसका जल्दी से रीजंस भेजें, क्या सही होगा, जल्दी से इसका जवाब भेजें। देखिएगा, करा ए समांतर बी कब होगा, ये आप जानते होंगे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान अगर जीरो वेक्टर आ जाता है, वेक्टर ए क्रॉस बी का मान जीरो वेक्टर आता है तो समांतर होता है, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। वेक्टर जीरो होना चाहिए, खाली जीरो लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस का रूल्स है कि किसी सदिश को कोई दूसरा सदिश से गुना करते हैं तो एक नई वेक्टर को उत्पन्न होता है, तो जो जीरो आएगा वो जीरो वेक्टर का फॉर्म होगा। क्रॉस एक वेक्टर हमेशा देता है, किसी सदिश को किसी दूसरे सदिश से गुना करते हैं तो हमेशा एक नियत वेक्टर की प्राप्ति होता है। दो सदिश के सदिश गुणनफल द्वारा एक नियत वेक्टर की प्राप्ति होता है, तो ए क्रॉस बी का मान जीरो के वेक्टर के बराबर है तो समांतर होता है ना, ऑप्शन आपके। चलिए पांचवा सवाल का जवाब भेजें, पांचवा सवाल के जवाब भेजें, पांचवा सवाल के जवाब भेजें आप लोग जल्दी से, पांचवा का जवाब दीजिए, देरी ना करें। फास्ट स्लो आप लोग चल रहे हैं, वेरी गुड। महाकाल हेलो, शिवम 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 जल्दी बोलिए, वेरी गुड। देखिए जे क्रॉस के करा, तो जे क्रॉस के कहने का मतलब यहां से ऐसे आई जे के पूछ रहा, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उल्टा चल गया, यानी माइनस के, जे क्रॉस आई के मतलब हो गया माइनस के, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, खड़ाक सुकून। नेक्स्ट जवाब दीजिए, वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए माइनस बी कौन सत्य होगा, जल्दी से बोलिएगा, वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए माइनस बी जवाब भेजें, इसका जवाब दीजिए। फास्ट जवाब चालू हो गया, मैक्सिमम 15 सेकेंड किसी क्वेश्चन पर देंगे हम। चलिए अशोक कुमार, बहुत सारे बच्चा को मैं नाम पढ़ लूंगा आज, पवन कुमार, कुंदन जी, सन्नी राज, सभी को धन्यवाद जो ज्वाइन होकर बढ़िया से पढ़ पा रहे हैं, वेरी गुड। देखिए a प्लस बी डॉट वेक्टर a माइनस बी डायरेक्ट वे में सूत्र है, वेक्टर a के मोड के स्क्वायर माइनस वेक्टर b के मोड के स्क्वायर, वेक्टर a के मोड के स्क्वायर को ये लिखते हैं, इसको लिखेंगे वेक्टर b के मोड के स्क्वायर को v स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऑप्शन नंबर आपको d, ऑप्शन नंबर आपको d होगा, वेरी गुड। लेकिन बहुत लोग का जवाब बी दिया गया है, डी के जगह बी क्यों लिखें, अब और देखते हैं कौन बनाता है। बिंदु 4, 5, 6 का स्थिति सदिश, बिंदु 4, 5, 6 का स्थिति सदिश जल्दी बताएं। चलिए देखते हैं सबसे पहले जवाब, हेलो सर, सभी को शुभ संध्या, फास्ट लिखें, फास्ट लिखें और ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन करने का प्रयास करें आप लोग, हो सके तो लिंक को एक बार सब लोग शेयर कर दें, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, कल 3D का कुछ कॉन्सेप्ट चाहे आज ही देखिए, 3D का कॉन्सेप्ट देते हुए ऑब्जेक्टिव बताएंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सभी को जवाब करेक्ट ए आ रहा है, सही बात है। बिंदु दिया 4, 5, 6 का स्थिति सदिश, एकदम आराम से लिखिए, 4i प्लस 5j प्लस 6k, खाली इसमें i j k लगा दीजिए, 4i 5j 6k, ऑप्शन नंबर 7 का a,
नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे सवाल, यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर जीरो तो वेक्टर ए का मोड तीन, वेक्टर बी का मोड चार, वेक्टर सी का मोड पांच, तो वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर बी डॉट सी, वेक्टर सी डॉट ए का मान क्या होना चाहिए? जल्दी जवाब दीजिए। इसमें आपको 15 सेकेंड को मैं टाइम दे रहा हूं, 15 से 20 सेकेंड का टाइम दिए आपको। कल से टाइमर आपका स्क्रीन पे भी रहेगा, कल से आपका स्क्रीन पर टाइमर भी लगा दिया जाएगा कि आपको इतना टाइम दिया जा रहा है। बनाइए इसको फास्ट, इसमें आप लोगों को टाइम लगेगा। देखिए हम बना रहे हैं इसको, देखिए सबसे पहले दोनों, देखिए दिया हुआ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर जीरो, दोनों तरफ इसको वर्ग कर लीजिए, दोनों तरफ क्या कर लीजिए वर्ग। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होल स्क्वायर बराबर जीरो के स्क्वायर जीरो रह जाएगा। तो वेक्टर ए के मोड के स्क्वायर जोड़ वेक्टर बी के मोड के स्क्वायर जोड़ वेक्टर सी के मोड के स्क्वायर जो टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी जो टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए और जीरो के स्क्वायर हो गया जीरो। वेक्टर ए के मोड के स्क्वायर तीन है तो तीन दिया ही नौ, चार चौ का सोलह, पाँच पचे पच्चीस, जोड़ दो हम लोग कॉमन ले लें तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी जो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए और बराबर में हो गया जीरो। देखिए तो 16, 9, 25, 25, 50 ऊपर डी भेज दीजिए तो 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए और बराबर में हुआ माइनस 50। ये आप एक देख पा रहे होंगे कि 50 को मैं काट दूं तो आपका रिजल्ट आ गया माइनस 25। कहीं पर ऑप्शन होना चाहिए और ऑप्शन करेक्ट आपका हो गया बी, है ना, ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया बी, ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया बी, वेरी गुड। देखिए कुछ नहीं किए, दोनों तरफ वर्क कर लिए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टू ए बी टू बी सी टू सी ए बराबर जीरो। वेक्टर ए का मोड का मान तीन है, तीन के स्क्वायर नौ, चार के स्क्वायर सोलह, पांच के स्क्वायर पच्चीस, सौ से में दो कॉमन ले लिए तो वेक्टर ए डॉट बी हो गया, वेक्टर बी डॉट सी हो गया, वेक्टर सी डॉट ए हो गया। अब देखिए 25 यानी 16 9 25 25 50 ऊपर डी भेज दिए माइनस 50 काट दिए तो आ गया माइनस 25। आपका स्क्रीन पे सवाल नेक्स्ट आ गया। बनाइए यदि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इकाई सदिश है जिसमें कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर जीरो तो वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर बी डॉट सी वेक्टर सी डॉट ए का मान क्या होगा? जल्दी बताइएगा आप लोग, इसको जल्दी से आप लोग बताएं, इसको आप लोग जल्दी से बताएं फास्ट। समझ लीजिए कि आप लोगों को एक बना हुआ सवाल है, ध्यान से आप लोग देखिएगा तो आप समझ बूझ कर देखेंगे तो आपको ये बात पता चलेगा कि बनाया हुआ ही सवाल था, थोड़ा सा आपको केयर करने की जरूरत है। देखिए जल्दी से इस चीज को बनाइए तो हम उधर लेकर चलते हैं। जल्दी बनाइए, आपका स्क्रीन पे सवाल था यहां पे, जल्दी दिखाइए। वेरी गुड। अब देखिए कुछ नहीं कीजिए, अभी हम लोग आप लोग को बताए थे कि वेक्टर ए जोड़ वेक्टर बी जोड़ वेक्टर सी बराबर जीरो था, दोनों तरफ वर्ग हम लोग किए, दोनों तरफ वर्ग किए तो हमारे पास आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के होल स्क्वायर बराबर जीरो। इसको डिस्कस करो, वेक्टर ए के मोड के स्क्वायर वेक्टर बी के मोड के स्क्वायर जो टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी
और जो टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर जीरो, वेक्टर ए के मोड, वेक्टर बी के मोड, वेक्टर सी के मोड सब का दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, वेक्टर ए के मोड के स्क्वायर, वेक्टर बी के मोड के स्क्वायर और वेक्टर सी के मोड के स्क्वायर, सब के मतलब इकाई दिया है। देखिए वेक्टर ए का मतलब वन दिया है, इसका मतलब यहाँ दिया हुआ है वेक्टर ए बराबर वन, वेक्टर बी बराबर वन, वेक्टर सी बराबर वन। वेक्टर ए के मोड करो तो वन, वेक्टर बी के मोड करो तो वन, वेक्टर सी के मोड करो तो वन। तो देखिए यहाँ पर हो गया एक जोड़ एक जोड़ एक, जो टू कॉमन ले लीजिए तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जोड़ वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और जोड़ वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर जीरो। समझिए, एक दो तीन ऊपर डी भेज दीजिए, मिला जुला कर आपका हो जाएगा माइनस थ्री बाई टू। सोचिए एक दो तीन ऊपर डी जाएगा माइनस तीन बटा माइनस दो यानी माइनस थ्री बाई टू, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल आप लोग बनाइए, नेक्स्ट सवाल बनाइए। यदि वेक्टर ए क्रॉस बी के मोड है जो वेक्टर ए डॉट बी के मोड, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण बताइए, जल्दी से बताइए, फास्ट बताइए इसको जवाब जरा जल्दी। बहुत बढ़िया कुंदन कार्तिक, बहुत बढ़िया, सभी लोग का जवाब सही है। रजनीश कुमार भी, सभी को जवाब सही है। चलिए इसका जवाब भेजें। बनाइए। देखिए हमारे पास बहुत ही सिंपल सवाल है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मोड बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के मोड, वेक्टर ए के मोड बी के मोड साइन थीटा बराबर ए के मोड बी के मोड कॉस थीटा। ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, यानी हम कह दें कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए के मोड वेक्टर बी के मोड बटा वेक्टर ए के मोड वेक्टर बी के मोड। आराम से विचार करके देखिए तो ये कट गया, तो टेन थीटा बराबर आ गया वन, तो थीटा का मान हो गया पाई बाई फोर। ए के मोड बी के मोड साइन थीटा, इसका मोड ए के मोड बी के मोड कॉस थीटा, कॉस गुना में ऊपर डिभागा में, टोटल गुना में ऊपर डिभागा में कट गया वन आया, वन के मान टेन कितना डिग्री, तो 45 डिग्री, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। चलिए आपके स्क्रीन पे फिन से सवाल आ गया, बोलेंगे 11 सवाल, वेक्टर ए के मोड 10, वेक्टर बी के मोड 2, वेक्टर ए डॉट बी 12, तो वेक्टर ए क्रॉस बी का मान। जल्दी बताइएगा जरा से इसका जवाब, जल्दी से इसका जवाब बतावे। वेक्टर ए का मोड 10, वेक्टर बी का मोड 2, वेक्टर ए डॉट बी के मान 12, तो वेक्टर ए क्रॉस बी का मोड क्या होगा बताइए। देखिए कितना सिंपल है, आप लोग ट्राई मारिए, तब तक हम बनाते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मोड पूछा है, तो वेक्टर ए के मोड वेक्टर बी के मोड और होता है साइन थीटा, ये पूछा है, तो साइन थीटा हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब साइन थीटा के मान निकाले पड़ेगा। तो देखिए वेक्टर ए डॉट बी का सूत्र पढ़े हैं, ए के मोड बी के मोड कॉस थीटा पढ़े होंगे, ए डॉट बी के जगह 12 लिखिए, ए के मोड 10 लिखिए, बी के मोड कितना लिखिए 2 लिखिए और कॉस थीटा। अब विचार करके आप देखिए, काट कूट करिए, 2 से काट लीजिए 6, यानी आप देखिए 6 बटा 10 लिख लीजिए बराबर कॉस थीटा, यानी मिला जुला कर अगर बात करें कॉस थीटा का मान आ गया 3/5। और हमारे सवाल का जवाब किसको मांग रहा है, वेक्टर ए क्रॉस बी के मोड का मांग रहा है, तो वेक्टर ए का मोड लिखो बी का मोड लिखो और बगल में क्या लिख दो साइन थीटा। वेक्टर ए का मोड 10 दिया है, वेक्टर बी का मोड 2 दिया है, साइन थीटा के मतलब आप समझ लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 10 दूना 20 हो गया रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा का मान 3/5 है, तो 9/25 हो जाएगा, तो 20 इंटू 25 में से 9 16, 4/5
और अब आप काट कर देख लीजिए, तब पंचों का 20, चार चौका का 16। देखिए हम का किए हैं, ए डॉट बी का मतलब फार्मूला है ए के मोड बी के मोड कॉस थीटा। ए डॉट बी का मान 12 है लिख दिए, ए का मोड 10, बी का मोड 2, कॉस थीटा रह दिए, 2 से काटे 6 आया कि फिर गुनाई पर डिभागा, कॉस थीटा के मान आ गया 3/5। ए क्रॉस बी का मोड का सूत्र है ए का मोड बी का मोड साइन थीटा, ए का मोड 10, बी का मोड 2, साइन थीटा के बदल दिए √1 - cos²θ। कॉस थीटा के जब 3/5 रखे तो 3 × 9 = 25 हुआ, 25 में से 9 घटा लो 16, 16 के वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, काट के जो लाना है से आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, नेक्स्ट सवाल का जवाब दीजिए। यदि वेक्टर ए का मोड है 8, वेक्टर बी का मोड 3 है, वेक्टर ए क्रॉस बी का मोड 12 है, तब वेक्टर ए डॉट बी बताइए। बताइए आप लोग इसका जवाब, आप लोग दीजिए जवाब, दे दीजिएगा क्या करें। वेक्टर ए क्रॉस, देखिएगा वेक्टर ए क्रॉस बी का मोड का सूत्र हम लोग पढ़े हैं, वेक्टर ए का मोड वेक्टर बी का मोड साइन थीटा। ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी का मोड का मान दिया है 12, ए के मोड 3, बी का मोड दिए हैं सॉरी ए के मोड 8, बी के मोड 3 और साइन थीटा दिए। अब विचार करके बताने के बाद है 3 × 12, 4/8 = sin θ। मिला जुला कर बात करें तो साइन थीटा का मान आ गया 1/2, काहे कि ये भी कट जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास सूत्र है वेक्टर ए डॉट बी का, कि ए का मोड बी का मोड कॉस थीटा। तो ए का मोड तो 8 है, बी का मोड तो 3 है, और कॉस थीटा मतलब 1 - sin²θ। 24 √1 - 1/2 के स्क्वायर तो 1/4, 4 में से 1 घटा लो, 24 गुना √3/4 के वर्गमूल कर लो 2, काट लीजिए 8√3 हो जाएगा। ये सब जनरल चीज है, 8√3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बताएंगे, एक सवाल दिया गया कि 1 + ω - ω² के होल क्यू माइनस 1 - ω + ω² के होल क्यू बराबर वाट, इसमें कौन होगा। देखिए जो बच्चे अगर पढ़ते हैं थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, वन पहले बात की ओमेगा क्यू का मान 1 होता है, 1 + ω + ω² का मान आप याद रखेंगे जी, ये दो बात आप जान लीजिए। देखिए हम सिखाते हैं आपको, यहाँ पर देखिएगा 1 + ω खाली बोलेंगे तो -ω², 1 + ω² बोलेंगे तो -ω, ω + ω² बोलेंगे तो आप बोलेंगे -ω। इसको इसलिए लिखा है कि एक बार बोर्ड पूछ दिया गलती से, इसलिए हम इसको दे दिए हैं। 11th क्लास के टॉपिक में कॉम्प्लेक्स नंबर से दिया गया है, जो इसे ध्यान से आप लोग सीखे लेंगे। याद रखेंगे ओमेगा क्यू का मान 1 होता है, 1 + ω + ω² का मान 0 होता है, ये दो बात से आप समझ जाएंगे। बोलिए 1 + ω कर रहा है, 1 + ω, तो 1 + ω के मतलब क्या लिखा है, देखिए -ω² - ω² इसका होल क्यू हो गया। और यहाँ पर देखिए 1 + ω² प्लस वाला को आगे माइनस वाला को पीछे, इसके होल क्यू लिख दी, तो -2ω² के होल क्यू लिख दीजिए। अब माइनस ये देखिए तो 1 + ω² के मतलब -ω - ω होल क्यू, तब -2 के होल क्यू बोलिए, ओमेगा के पावर 2 इसके होल स्क्वायर बोलिए, होल क्यू बोलिए, माइनस ये हो गया 2ω के होल क्यू, यानी -2 के क्यू करेंगे तो हमारे पास -8 आ जाएगा। और इसका मतलब हो गया ओमेगा के पावर 6 3×6, आई हो गया -2 के पावर 3 और ओमेगा के पावर 3। ये बताओ छोटू, -8 × ω³ के होल स्क्वायर, अब माइनस इसको करेंगे तो हो जाएगा +8। देखिए विचार करके, क्योंकि -2 के क्यू होगा -8,
अब माइनस माइनस प्लस, ओमेगा क्यू का मान 1 हो जाएगा, इसका मतलब भी माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि 1 आएगा और 1 के स्क्वायर 1 होगा, और जोड़ 8 कट जाएगा, रिजल्ट 0 होगा, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सुनिएगा एक बार, 1 प्लस, देखिए आप लोग ध्यान देंगे तो सीखेंगे, देखिए 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा का मान होता है माइनस ओमेगा, तो ये हो गया जस्ट, ये माइनस को पीछे प्लस को आगे कर लिए, अब एगो एगो दूगो, माइनस तो माइनस, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान होता है माइनस ओमेगा, आई माइनस ओमेगा, तो माइनस 2 ओमेगा के होल क्यू, माइनस 2 के होल क्यू, ओमेगा स्क्वायर के होल क्यू, ये माइनस 2 ओमेगा के होल क्यू, ये माइनस 8 हुआ, ये द्वितीय 6 हो गया, आई माइनस में है 2 के क्यू और ओमेगा के क्यू, ये माइनस 8 रह दीजिए, ओमेगा के पावर 6 कहने के मतलब कि ओमेगा क्यू गुना ओमेगा क्यू लिख दीजिए। सबसे सिंपल उपाय हम बता देते हैं, माइनस 8 इंटू ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा क्यू, अब माइनस ही हो जाएगा प्लस में 8 इंटू 1, तो यही इसका मान देखेंगे तो इसका मतलब माइनस 8 गुना 1 गुना 1 अब प्लस 8, तो डील करेंगे तो माइनस 8 प्लस 8 जीरो हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा और अगर आप लोग कहेंगे तो इस पर डिस्कस करेंगे हम, थोड़ा सा 11th का टॉपिक इसमें दे दिए वो, क्योंकि एक बार एग्जाम में टैग किया था, इतना का मापांक निम्न में कौन सा होगा, जल्दी से बताइए, इतना का मापांक निम्न में कौन सा होगा, जल्दी बताइए, इतना का मापांक निम्न में कौन होगा, जल्दी बताएं, नहीं आप लोग बता रहे हैं, जल्दी बताएंगे इसका मापांक क्या होना चाहिए, फास्ट एंड हरी अप, सुंदर बच्चे, सभी बच्चे, मेहनती बच्चे, जल्दी से इसको बताइए, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड का मापांक निम्न में कौन सा होगा, मापांक आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत बढ़िया, मापांक के मतलब होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ऑप्शन आपका ए ही हो जाएगा करेक्ट, है ना, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, वेरी गुड, सभी को ए ऑप्शन आ रहा है, रेड से लिखते हैं जो इनको बच्चे को, हम देख लेते हैं लैपटॉप में ही ऐसे, इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा हमको, बड़ा में लिखिएगा आपको लौकता है, वेरी गुड। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे सवाल आ गया, इतना और इतना तो वेक्टर ए क्रॉस बी बताइए, देखिए सबसे पहले दो सदिश के सदिश गुणनफल का नियम है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आई, देखिए क्या नियम है जो ध्यान से सुने, आई जे के ध्यान से देखेंगे, 1-7-7, 3-2-2, रूल्स पकड़िएगा, ए क्रॉस बी आई जे के लिखिए, ए के आई कैप गुणांक जे कैप गुणांक के कैप गुणांक, बी के आई कैप के गुणांक जे कैप के गुणांक के कैप का गुणांक, रूल पकड़िएगा, इसको यहां से झांपे, यहां से झांपे, -7-7-2-2 माइनस जे, इसको और इसको झांपिए, 1-7-3-2 और प्लस में के, रूल्स क्या कहता है, एकरा झांपा 1-7-3-2, पकड़ लीजिए बात को, ऊपर झांपिए किनारा झांपे बचे उसे छापे, बीच में माइनस होता है डिटर्मिनेंट के नियम के तहत, इसको झांपिए ऊपर झांपिए बचाओ चारों छापिए, जस्ट लिख दीजिए। अब हमारे पास आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसे इसमें गुना करिए, तो गुना करेंगे तो -14 अब +14, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एरा गुना एरा घटाओ एरा गुना एरा खत्म हो गया, माइनस जे 2-7-21 और जोड़ के -2+7-21 प्लस हो जाएगा, यानी वेक्टर ए क्रॉस बी अगर कहें तो 0 आई हो जाएगा, 21 में से 2 घटा लीजिए तो -19 जे, और उधर 21 में से 2 घटा लीजिए तो ये आपका हो जाएगा +19 के। अब इसका मोड आप कर लीजिए, मोड आपको करने आएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के होल मोड, योग्य 0 और जोड़
माइनस 19 के होल स्क्वायर और जोड़ 19 के होल स्क्वायर, दोनों के होल स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और जो रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन भी हम नहीं दिए हैं तो आप लोग जल्दी से इसको दोनों को गुना स्क्वायर करके जोड़ दे के बताइए कितना होगा। ऑप्शन नहीं दिए, अंक में बताइएगा आप लोग। चलिए वेरी गुड। चलिए आप में से कई बच्चे के अंदर जुनून है पढ़ने का। 16 सवाल देखिए, इसको जवाब दीजिए तो कौन सबसे पहले देते हैं। वाई एच की दिक को जया होती है, देखते हैं किसको जवाब सही आता है। वाई एच की दिक को जया होती है, इसका जवाब दीजिए। छोड़िए उधर, आप स्क्वायर करके जोड़ लीजिएगा, एनसी क्लास के लायक नहीं है कि नहीं जोड़िएगा, इसका जवाब दीजिए। वाई एच की दिक को जया कौन होगा, वाई एच की दिक को जया निम्न में कौन होगा, जवाब भेजे। आप लोग को हौला वाला क्वेश्चन दे तो बड़ा इंटरेस्ट आता है। देखिए बहुत अच्छा सुंदर सा शब्द लिख रहे, गरीबों का मसीहा। रियलिटी में मैं गरीबों का मसीहा इसलिए हूं कि बहुत कम फीस में जहानाबाद और मसौड़ी में पढ़ा देते हैं बच्चों लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया, गुड, बहुत अच्छा, इसका जवाब सही जवाब आ रहा है। हाँ, एक्स अक्ष के दिक को जाए कहेंगे तो आप दिमाग में रखेंगे 100, वाई अक्ष के दिक को जाए तो 010, और जेड अक्ष की दिक को जाए कहेंगे, देखिए एक्स अक्ष की दिक को जाए कहेंगे तो 100 होगा, वाई अक्ष के दिक को जाए 010 और जेड अक्ष की दिक को जाए 001 होगा। इसलिए ऑप्शन आपका 010 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों को क्या होगा, सी हो जाएगा, है ना, वेरी गुड, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट बताइएगा, इसको बिंदु 2, 3, 4 और 8-3, 8 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, रेखाखंड का मध्य बिंदु जल्दी बताइए इसका मध्य बिंदु क्या होना चाहिए। फास्ट इसका जवाब दीजिए, इसका मध्य बिंदु क्या होना चाहिए, इसका मध्य बिंदु बताइए। मध्य मतलब दोनों के जोड़ के 2 से भाग। सबसे दम सिंपल तरीका सीखिए, 2 और 8 10 10। देखिए सिंपल बात, इसको कुछ ना कर 8 2 10 भागा 2 करिए 5, 3-3 0/2 रिजल्ट 0, 4 और 8 12/2 6, ऑप्शन ढूंढिए 5 0 6 5 0 6 ऑप्शन नंबर डी। क्या किए, 2 और 8 अगला जोड़ अगला बाय 2 तो 8 2 10/2 5 3 जोड़, देखिए क्या हम कर रहे हैं जो सुनिएगा एक सेकेंड, बहुत आसान है। ई दोनों टर्म जोड़िए, ई दोनों टर्म जोड़िए, ई दोनों टर्म जोड़िए, 2 8 10/2 5 3 -3 तो 0/2 0 4 8 12/2 6 ऑप्शन 5 0 6 है ना। नेक्स्ट आपका स्क्रीन पे सवाल, बिंदु x1/1 z1 और x2/2 z2 के मिलाने वाली रेखा का दिक अनुपात है, इसमें बताइए कौन किसका दिक अनुपात है, जवाब दीजिए कौन किसका दिक अनुपात है, जल्दी से बताएंगे। दिक अनुपात पूछ रहा है, जल्दी बताएं इसका जवाब, दिक अनुपात बताइए। देखो दिल में जज्बात और जुनून आप पढ़ने के लिए नहीं लाएंगे तो मैं भी उस ढंग से आप लोगों को नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि आपके अंदर ये जज्बा और जुनून होना चाहिए पढ़ने के लिए। जितना आपको अंदर पढ़ने का इच्छा जाएगा उसको 10 गुना इच्छा हमारा पढ़ाने का जाएगा, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव चैट में बने रहें तो निरंतरता के साथ अंत तक मैं लगातार पढ़ा दूंगा सभी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव, इसलिए मेहनत दम अटूट करना पड़ेगा। अब हम पढ़ाने के लिए शुरू कर दें और आप बढ़िया से ज्वाइन ना करें तो हम क्या करेंगे कि ऑटोमेटिक छोड़ देंगे। इसलिए मैं आपसे अपील और याचना करता हूं कि जब तक मैं 45 मिनट का क्लास रखा हूं वो लगातार और निरंतरता के साथ बने रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करेंगे तभी मुझे पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। आज थोड़ा सा मेरे हौसलों पर थोड़ा सा आपने कहीं ना कहीं दिक्कत की है तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली कि कल का जो क्लास हो काफ़ी खास, 3D का क्लास करेंगे हम लोग कल, 3D का बेस्ट कुछ हल्का बताते हुए हम आपको चलेंगे
और कल ऑब्जेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो वेक्टर का और भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, 3D का और ऑब्जेक्टिव है, उसको कर देंगे, वो कर बाद मिक्स करके फिर दोनों के देंगे तो जाकर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बहुत अच्छा, जितना बच्चे हमारे साथ ज्वाइन किए बहुत खूबसूरत करा। रेखा का दिक अनुपात, तो देखिए दिक अनुपात हम बताए थे बड़ा ढंग से कि पिछला माइनस अगला करिएगा, x2 - x1 कॉमा y2 - y1 कॉमा z2 - z1। देखिए x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 कहीं ना कहीं ऑप्शन होना चाहिए, और ऑप्शन नंबर है सी। बहुत लोग को बहुत शानदार था, बहुत ठीक था, और लगातार और निरंतरता के साथ हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सवाल 18 तक ही है, क्योंकि यहाँ पर आपका अगला में नहीं मिलेगा, आपको खत्म हो गया, तो कल आप लोग को समय अनुसार पुनः मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आप लोग को बता दूं कि जहानाबाद में केमिस्ट्री क्लास का बैच AK प्रताप सर द्वारा आपको शाम में और सुबह में दोनों के दोनों बैच स्टार्ट होने जा रहा है। जो क्रैश कोर्स में जो बच्चा पढ़ना चाहते हैं उनको इनऑर्गेनिक का टॉपिक सुबह 7 बजे स्टार्ट हो रहा है, कल नहीं यानी परसों आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा। कल मैं सुबह में आकर आप लोग के बीच घोषणा कर दूंगा कि कितना बजे से आपको क्लास रहेगा, है ना। शाम में हमने बोला था कि 2 से 3 या 3 से 4 रहेगा, वो अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, मैं कल बता दूंगा सुबह वाला बैच के लिए और शाम वाला बैच के लिए। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं समय अनुसार, केमिस्ट्री के बैच की सूचना दिमाग में आप लोग रखेंगे। 8 बजे कल मैं मिलता हूँ आप लोग के बीच पुनः लाइव क्लास में, ऐसे ऑफलाइन क्लास में भी हम लोग कल समय अनुसार जहानाबाद और मसौढ़ी के बच्चे मिलेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।